अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप लोग गर्मी चेक कर सकते हैं, ये देखो कैसी तपिश धूप पे हम लोग फिर भी व्लॉग बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है, दो तीन दिन से हम लोग गायब थे क्योंकि हमारे बिलाल भाई थोड़ा सा मसरूफ थे और वलीद भाई भी मसरूफ थे और हम भी थोड़ा मसरूफ थे। घर में हमारे भी काम चल रहा है और बिलाल भाई का भी घर बन रहा है, आप लोगों को पता है। तो कहने का मतलब ये है कि लंबी चौड़ी आपके चश्मे में देखो ना, घर दिखता है सब बिलाल भाई का। ये भाई देखो ऊपर वो भी रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, टैंकी रखा हुआ है। नहीं नहीं, ये अपना रेती बजरी सब कुछ रखा हुआ। कहने का मतलब ये कि अभी से इस व्लॉग को करें लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो अभी भी हम लोग प्रॉपर फ्री नहीं हुए ना, काम अभी भी चल रहा है, अभी थोड़ा सा मेरे घर का भी काम है, थोड़ा सा ऊपर की पाइप वगैरह की ना ड्रम वगैरह की सेटिंग चेंज करनी है, यहाँ वहाँ करना है। सही है वलीद भाई, देखो लगे हुए अभी मेजरमेंट वगैरह करेगा क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम लोग सीन ऐसा है कि आज भी पार्टी वार्टी करेंगे। बिलाल भाई आपको पता है यहाँ पे पार्टी है भाई, पार्टी करेंगे आज आपको बिलाल भाई आपके पता की तरफ से। हाँ मेरी तरफ से यार, एक तो आपने हमें इस ब्लॉग में लगा दिया है कि आदत हो गई ना, आदत हो गई। अब तो जी चाहता है कि लेटू उठो बस ब्लॉग ही बनाओ ताकि मुझे दुनिया देखे कि मैं साकिब भाई के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ। नहीं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि कोई आपका भाई कोई फ्रेंड कोई ऐसा बंदा देख रहा है उसको कुछ बोलना चाह रहे हो? आपका आजकल मोबाइल नहीं है, खराब हो गए हैं, तो कुछ बोलना चाह रहे हो किसी को? अगर तो कोई मुझे सुन रहा है तो उसके लिए मैं एक शायर पढ़ता हूँ। शायर पढ़ता हूँ नहीं, सुनाता हूँ। यानी कि सुनाता हूँ, एक शायर सुनाता हूँ, जो अगर तो मुझे कोई सुन रहा है अच्छा तो उसको मैं आज सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ। कहते हैं कि मुस्तरफ है गुल गम के आतो जिंदगी मुश्किल में है, अब बारियाब आस्था होने की हसरत नहीं रही मुझ में। वाह ना बिलाल भाई, वाह जबरदस्त भाई, ये भाई कमाल का बंदा है, ये शायरी वगैरह सुनाते रहते हैं हमारे को। और ये वलीद भाई देखो मेजरमेंट कर रहे हैं पाइप वाइप का। वलीद भाई आज रात को पार्टी है, पता है आपको? कौन खिला रहा आपको, कौन खिलाएगा? और अरे जैसे गरीबों को तो भाई अभी निकलते हैं, बस ये कहने का मतलब है कि अभी थोड़ा काम हम करते हैं, कपड़े चेंज कर काम हम करेंगे, फिर काम खत्म करके फिर हम लोग निकलेंगे जब तक रात हो जाएगी। रात को हम लोग इंशाल्लाह कोई सेटिंग बनाते हैं, फिर आपको देखते हैं बताते हैं क्या। One eternity later. तो भाई काम वाम से हम लोग हो चुके हैं फारिग बिल्कुल, आप देख सकते हैं गली को भी गुल्लो भाई ने बिल्कुल चमका दिया, पानी वानी लगा के गाड़ी माड़ी भी धो ली है। बिलाल भाई ने बहुत काम किया है, ये गुलोसन भाई है इसके, यहाँ से इसने कटिंग करवाया हुआ है, गंजा वंजा कोई नहीं किया, आप लोगों को घर पे भी है कराई, सिर्फ कटिंग किया और वलीद भाई ने कटिंग किया है। वलीद भाई काम हो गए सारे? काम देख, अभी जाना है राहिल साहब के पास। अरे राहिल भाई के पास उसको जाके दावत देना ना कल के दावत के लिए। अरे मुझे काम भी है यार एक राहिल भाई से। राहिल भाई से काम है ना, उधार तो नहीं लेना वो तो उधार उसने लिया, वो बात नहीं करना है ना, उसने बोला इधर नहीं करो, वो बाद में दे देगा। लाल भाई तो चले आज आपके तरफ से पार्टी है, पार्टी भी होगी, पहले जाके राहिल भाई से मिलेंगे, राहिल भाई को दावत देंगे, फिर जाके पार्टी वार्टी करते हैं, फिर आते हैं, पर मुझे काम भी है। सही है ना? ठीक है चले। आप देख सकते हैं भाई हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। सही है, ये साकिब भाई खड़े हैं उनके घर के सामने, ये राहिल भाई का गाड़ी खड़ा हुआ है। सही है, राहिल भाई पता नहीं बोले, घर वाले बोले यहाँ पे नहीं है, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी पता नहीं कहाँ है। बिलाल भाई आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई देख यार, राहिल भाई के घर के सामने हम खड़े हैं, गेट के सामने, दिखाएं वापस दिखाएं, राहिल भाई का भाई भी खड़ा हुआ है और राहिल भाई यहाँ पे नहीं है। हम आए थे उनके लेने मगर वो यहाँ पे नहीं है, हमने सोचा कि वो हमारे साथ आएंगे पार्टी में शिरकत होंगे मगर है नहीं। हम दो दो गाड़ी पे आ चुके हैं, एक गाड़ी ये रहा एक गाड़ी वो, वलीद भाई बैठा हुआ है अभी यहाँ पे नहीं, हम क्या करें? चलो तो उसकी नसीब अकेले अकेले पार्टी कर लेते हैं, पता है हरामी हो बेटा। चलो सही है भाई, अभी आगे आपको मिलेंगे, साकिब भाई खड़े हुए उनके घर के सामने, आप देख सकते हो भाई अभी हम आए थे राहिल भाई घर में, देखो गाड़ी में खड़े हैं, बाइक भी खड़ी है। राहिल भाई आपको पता है घर में नहीं बैठता, बाहर घूमता रहता है, बैठने वाला नहीं है क्योंकि आपको पता है ना उसको क्या चाहिए। सर क्या चाहिए भाई? अभी वो नहीं, सुकून चाहिए उसे वही मेरा समुंदर का सुकून समुंदर। तो अभी राहिल भाई मिला नहीं यार, आपको पता है फ़ोन भी उसका बंद है, फ़ोन ख़राब है, अभी हमने घर पे बोला जैसे ही वो आता है तो उसको हमारे पास वो लोग भेजेंगे, फिर राहिल भाई अगर वहाँ पे आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और बात है वो बाद में बोलूँगा। सही है चलो सही है, अभी आपको आगे जाके मिलते हैं फिर। हम
आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं सही है। हम लोग गए आपके सामने राज भाई घर में, क्योंकि हमने बोला उसको लेके आएंगे तो होटल पे आज हमारा पार्टी था, हमने कहा उसको यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन वो मिला ही नहीं है भाई, मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, क्या चक्कर है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी शादी करवा दें ये सही हो जाएगा, सही है, इसकी शादी नहीं होगी, ये इसी तरह रोलता रहेगा। भाई मेरी और बिलाल भाई की समझ में नहीं आई सही, क्योंकि गाड़ी खड़ा हुआ बिलाल भाई बोल रहे मगर वो है ही नहीं घर में, करें तो करें क्या, पैदल जाते भी नहीं, पैदल जाते भी नहीं, अभी तो करें तो फिर भाई वो गया अपने विस्तार के साथ, आजकल जा रहे हैं गाड़ी पे करीम इन ड्राइव वगैरह करा के ना, ऐसे जा रहे हैं, बाइक पे नहीं जा रहे हैं आजकल, क्योंकि आप पता है ना लोग देखते हैं उसको इस वजह से। तो कह राहुल भाई आपने ये बिरयानी मिस कर दी, सही ना, बस क्या करें आपकी नसीब है। लेकिन आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आज मुझे हर तरफ से कॉन्टेक्ट करें, मेरे फ़ोन पे, भाई के मोबाइल पे, कहीं से भी लाजम एक ज़रूरी बात करनी है आपसे, मिलते हैं आपको। भाई तो अभी हम घर आ चुके हैं सही है ना, वहाँ पे राइल भी नहीं मिला और बाकी है कि बिरयानी बड़ा ज़बरदस्त बिरयानी था सही है ना। बिलाल भाई यहाँ पे होता है आपको पता है कि खाने पीने के चीज़ में भागता है ना, कहता है मुझे ये खिलाओ वो खिलाओ घुमाओ फिराओ। तो अभी बस कुल्लो भाई राहुल भाई के बारे में कुछ बोलोगे क्या? बोले यार घर पे जा, वो बोलते हैं मेरे पास नहीं आते हुए, हम लोग घर पे जाते हैं वहाँ पे होते ही नहीं, अभी हम करें तो करें क्या आप बताओ, मिलता ही नहीं है, जब भी जा नहीं मिलता है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। अभी हमने व्लॉग तो बना दिया, अभी बिरयानी खा लिया ये, अभी देखते कल वापस जाते हैं उसके पास, कोशिश करते मिलेगा, ऐसा ना हो कि हम लोग जहाँ पे घूमने जा रहे हैं वो नहीं आए, फिर बोले तुमने मुझे बोला नहीं है, जब हम जा रहे हैं इसको बोल रहे हैं फोन नहीं बंद है, फोन तो किया है मैं, ये बार बार अपना मोबाइल पे तोड़ रहा है, वो नहीं गुस्से में आता है यार, मैं बात बताऊं इसकी शादी ही नहीं हो रहा। अरे तुम क्यों इसकी शादी, मुझे पता शादी होगा, बेचारे का शादी हो अभी तो बात होगा ना, फिर वो भी खुश होगा घर पे बैठेगा, उतनी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, किस किस आवारा कर दिया ये वो, मतलब वो वाला आयश नहीं, गाल अच्छा लड़का है भाई सही ना, आवारा कर दिया कर रहा है, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, अभी शादी होगा तो घर में बैठेगा। तो खैर दुआएं करो आप लोग ये जल्द से जल्द हमारे सब भाइयों की सब दोस्तों की हर किसी की शादी हो। खालिद भाई नहीं भाई यार राहुल का क्या सीन है, नहीं मिल रहा यार, राहुल भाई का बाइक तो वहीं खड़ा था, हमें तो शक है कि घर पर ही होगा। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, फिर क्या हमसे छुपेगा क्यों, हमसे क्या उसने उधार दिया हुआ है क्या, हमसे पता नहीं क्या गलती हुआ है, हमारे पास नहीं आ रहा है, वो सामने आप लोगों ने देखा अभी घर के बाहर गए, बाइक भी खड़ी थी। नहीं वो आजकल इंड्राइव यूबर पे घूम रहा है ना। नहीं रे काम छोड़ दिया उसने, काम हम नहीं काम वहाँ पे जा रहा है अभी, आपको पता है पे अभी आपकी भाभी है ना राहुल भाई की मंगेतर, वालेकुम सलाम, हैदर भाई भी आ चुका है भाई, तो उसकी मंगेतर है ना, तो उससे मिलने भी जाते हैं ना। और अपना रास की बात भी बोल रहा था कुल्लू भाई, उसकी वजह से पता नहीं आ रहा। अरे हाँ तुमने बोला कि एक राज की बात है वो मैंने छुपाया हुआ है, उसकी वजह से नहीं आ रहा यार, वो नहीं निकालो ना, वो मैं छुपाया, वो आएगा तो उसको बताऊंगा। अरे जब भी तो नहीं आ रहे वो, तुम बस बोलो मैंने कुछ नहीं देखा, आंखें बंद करो अपनी। मैंने नहीं देखा, अंधा था उस टाइम, अंधा था नहीं देखा ना भाई। बिलाल भाई राहुल भाई को हम यही कहना चाहते है कि भाई राहुल भाई हमसे यूँ नाराज मत हुआ करे यार, हम इतने दूर आके इतने दूर आए आपके घर में, 5 किलोमीटर दूर है पूरा 5 किलोमीटर, और आप मिले नहीं हमें, 150 रुपए का पेट्रोल जाता है इसके पास जाने के लिए यार। और यकीन करे मुझे खाना भी हजम नहीं हुआ, काया के बगैर भर के खाया मगर हजम नहीं हुआ कि वो राहुल भाई नहीं, 1500 रुपए बिरयानी कोल्ड ड्रिंक किया यार, वो हजम नहीं हुए यार अभी तक, इधर पड़े शायद राहुल भाई को देख के हजम हो जाए, राहुल भाई आते तो और मजा आता, कल राहुल भाई आएगा 2 जम्बो लेके आएगा, उससे घर पे ही बता दिया हमने, जब भी आओगे नहीं नहीं गर्मी है चाय नहीं पियेंगे, भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, रात को आएगा ना, गर्मी तो गर्मी से टूटेगा भाई, नहीं वो वाला गर्मी नहीं है दूसरा गर्मी है, सही है भाई, फिर लाल भाई जी आई लव यू टू जान राहुल भाई, अच्छा वैसा जा मुझे बोल रहा आई लव यू राहुल को बोला यार, और राहुल भाई आई लव यू आई मिस यू। वाह बाकी ये कि अभी थक चुके हैं बहुत, काम हम बहुत भी किया, राहुल भाई के पास गए तो फिर बिरयानी भी खाया, फिर वहाँ से निकले हमने जूस वूस पिया, उसका ब्लॉग नहीं बनाया, वहाँ पे रश बहुत था, अभी लाइट भी चली गई देखो अंधेरा हो गया, अल्ले फिर अंधेरा हो गया। तो कहने का मतलब है इस ब्लॉग को यहीं से करते हैं एंड, लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन में दबाओ, शेयर करो, जो भी करने करो बाबा जल्दी से, सही है मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।